इंडस्ट्री में कदम किस उम्र में रखा? I was exactly 16. तो आज अगर आपकी मुलाकात हो 16 साल वाली इफ़त उमर से, तो आप क्या मैसेज देंगे इसको? देखो आज तो दुनिया बहुत चेंज हो गई है, इसलिए मैं आज कोई मैसेज उस इफ़त को नहीं दे सकती, लेकिन I had a great life. Everything came very easily to me. So मैं जितना शुक्र अदा करूँ काम में नहीं, लेकिन आपने पूरा सफ़र ये गुजारा है। देखो अब सोशल मीडिया आ गया है, अब बहुत सारी चीज़ें और आ गई हैं जो तब की इफ़त तो इनसे रिलेट भी नहीं कर सकती। लेकिन अब उस ज़माने में जो हो सकता था ना, वो मैंने सब कुछ कर लिया। अच्छा, तो there are no regrets? No regrets at all. Nothing. तो आप कुछ ऐसा भी नहीं 16 साल वाली इफ़त को कहेंगी कि प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द न्यू वर्ल्ड, जिसमें सोशल मीडिया होगा, लोग ऑनलाइन क्रिटिसाइज किया करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा? You think everything was natural? I've seen evolution and I'm part of it. बातों का सिलसिला चलता रहा और इफ़त जी ने फिर हमें बताया कि अगला बर्थडे किससे विश करवाना चाहेंगी। कौन है वो? मुझे भी नहीं पता, देखते हैं ना। शाहरुख तो आपको बर्थडे विश कर रहा है, आप कह रहे हो बड़ा आदमी है भाई, बड़ा आदमी है, उसका ज़र्फ बड़ा है, उसने कर दिया। मेरे जैसे छोटे इंसान, मतलब एक एक्टर को जिसकी कोई इतनी पहचान नहीं, उसने इज्जत दी है एंड आई अप्रिशिएट इट। शाहरुख से बात हुई आपकी? नहीं। बर्थडे विश हुई? तो कोई पता नहीं, अगर बर्थडे विश होगी बात भी हो जाए। बर्थडे नहीं थी वो, वैसे ही विश किया था, लेकिन उसमें हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। नहीं बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे। नहीं यार, मेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। अगली जो आपकी बर्थडे आएगी उस पर किससे विश करवाने का इरादा रखती? संजय दा कर देना ना, इतने बड़े स्टार हो। अच्छा, बड़े मजे की बात, इफ़त जी ने हमें अपने पॉलिटिकल व्यूज़ के बारे में बताया और साथ ये भी बताया कि वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आना चाहती। हालांकि भाई पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बस इसकी थोड़ी सी पीआर ख़राब हुई है। लेकिन इफ़त जी क्यों नहीं आना चाहती, भाई देखते हैं ना। यार मैं तो पॉलिटिशियंस की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा पढ़ना पड़ता है, बड़ी डेडिकेशन चाहिए, जेलों में भी जाना पड़ता है। मैं नहीं जेल से जाना, तो नहीं जाना, तो इसलिए मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। जब आप कहती हैं आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट, तो आपको नहीं लगता आप हमारे उस तरह के नौजवान जो वेल रेड हैं, क्योंकि यूर वेल रेड, आपकी एक ओपिनियन है, आप उनको थोड़ा सा डीमोटिवेट कर देती है कि नहीं यार पॉलिटिक्स में जाना? क्योंकि आई थिंक पॉलिटिक्स में तो जरूरी है जाना, एवरीवन हैज टू बी। तो जाए ना जानू, मैं नहीं जाना चाहती। आप जाना नहीं चाहती, वो एक चीज है। तो ये गलत है कि आप क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड आप हैं। अच्छा, आई थिंक सो। ओके, थैंक यू। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सी नुकात, कौन सा एक्ट, और वो जो GDP मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है, तो मैं क्या जाके करूंगी वहाँ पे? लेकिन आपके पॉलिटिकल व्यूज तो हैवी हैं, GDP वगैरह तो सब कुछ आना चाहिए ना, आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। हाँ। ले जी, ये तो थे इफ़त जी के पॉलिटिकल व्यूज। अब आपको दिखाते हैं मेरा और इफ़त जी का लिप सिंक बैटल। रेडी हैं? ते हो जाओ रेडी। आपको यार तो एनर्जी तो तुम में ही होगी, जो इनका दिल करता है। ये स्पेशल एपिसोड है, इसमें आप जो कहेंगे गाना बोल रहे हैं। कोई पंजाबी तो लाओ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको ऐसी एनर्जी दे यार, तालियां। I'm back। लिपसिंग के बाद अभी एंटरटेनमेंट का तड़का खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ है, आए देखते हैं। रियासत या सियासत? I mean there won't be any सियासत without रियासत। लाहौर की सर्दियां मियामी की गर्मी बड़े मियां साहब या अल्ताफ भाई, बड़े मियां साहब। आईपीएल या पीएसएल? पीएसएल यार, इस पे आपने सोचा? अच्छा माफ कर दो यार, ऑफ कोर्स पीएसएल यार। क्या पार्टी की टिकट या ड्रामे में मेन रोल? नथिंग। दोनों नहीं? अब एक्टिंग भी छोड़ दी? अच्छा, नो मोर एक्टिंग। और पार्टी की टिकट भी मिले तो नहीं? नहीं, आपने दोनों से पर्दा फरमा लिया। मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगी, मैं नहीं करना। मैसेज, लेजेंडरी मैसेज, जो दिल करेगा वही। लाते हैं आपके हसीन चेहरों पे एक बहुत बड़ी स्माइल, क्योंकि आने वाला है दोस्ती प्रोफाइल। माई नेम इज महविश ऑफ कोर्स, बट यू कैन कॉल मी डैश। मीशू। मीशू। I am very good at acting. Okay. You will always find me at, I don't know, at home. No. Okay. Studio. Okay. Okay. Never expect dash from me. Response from me. 3 words that describe my romantic life. I don't have one, I guess. My last relationship failed because I dash. Got bored. ओ, तो अगर बोर हो जाए महविश जी को एक मतलब एंटरटेन रखना पड़ेगा। मतलब किसी भी औरत को रखना पड़ेगा? क्या मतलब है? कितना जरूरी है एंटरटेन? मतलब अब बंदा अपना काम करे या एंटरटेन ही करता रहे? नहीं, बोर करने का ये मतलब नहीं होता, यहाँ कुछ होना चाहिए बस। मतलब बातें चाहते हो तो आदमी बोरिंग होते ही है ना। मैं आपको बोरिंग लगाऊं? नहीं, तुम आदमी लगे नहीं रहे। वो कह रही है भाई अभी तुम लड़के हो, तुम आदमी नहीं। बच्चे हो यार, अभी तो मैं बेबी हूँ। हाँ। मैं भी बेबी हूँ। My name is Imran. My name is Jaan. नहीं. My name is Imran. But you can call me Jaan. But you can call me Janu. Janu. I'm very good at singing. Singing. You will always find me at on कर लेते हैं फोन। You will always find me at phone. Oh, available on phone. आजकल तो बच्चे फोन पे लगे रहते हैं सारी दिन। Never expect. मैं guess करूं? हाँ. Never expect a bad hair day from me. Yeah. के बाल हर वक्त। Yeah. Or a bad selfie or a bad photograph. Yeah, yeah. 3 words that describe my romantic life. यार मैंने की पता है। हाले तो क्या जान है मेरी? नहीं, एडी ही जान नहीं है कि मैंने अपनी रोमांटिक लाइफ का दसे। अच्छा हाँ। My last relationship failed because because the other person cheated. है? अफसोस करना है जाके असद भाई के साथ, फल फ्रूट लाके ना 2 दर्जन केले दे, किलो काला नमक लाके जाके अफसोस करांगे, खरबूजे लाके। My last relationship failed because someone cheated. आपके साथ ना वक्त का पता ही नहीं चलता, कैसे वक्त गुजर जाता है। लेकिन यही जिंदगी है, घंटे का शो है। लेकिन टेंशन नॉट, अगले हफ्ते आऊँगा बहुत से नए शोज़ के साथ। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब।